आप एक बात बताइए, क्या क्या आपको और किसी पे शक है? कोई अजनबी आया था यहाँ पर? आया था वो ही आदमी जो पावती के साथ घर आया था। बहुत चपड़ चपड़ कर रहा था वो, उसने मेरे मुन्ने को गोद में भी उठाया था। वही होगा, वही होगा कि पावजी भी ना जाने कैसे कैसे अनजान लोगों को घर में ले आते हैं। लेकिन भाभी वो आदमी था कौन? आनंद नाम था, बहुत ही शरीफ लड़का है, बड़ी इज्जत से पेश आया हम सबसे। हाँ जी हाँ, आपकी तारीफ जो कर रहा था इसने हो गया शरीफ? ये भी कोई बात हुई? पावजी आप भी उसकी तरफ से बोल रहे? ये मेरे मुन्ने का सवाल है, आपने नहीं देखा था? मैंने देखा था, आप ही बताइए ऐसा कभी होता है क्या? पहली बार घर में आया और सबका मन जीतने की कोशिश कर रहा था, मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि वही आदमी है, सब पावजी की वजह से हुआ है। मेरा मुन्ना। आलिफ भैया आप क्या सोच रहे हैं? रणवीर बहुत अजीब सा संजोग है, लेकिन हॉस्पिटल में जो आदमी मुझे मिला था, जिसने मुझे माँ की रिपोर्ट दी थी, उसका नाम भी आनंद था। लेकिन भैया इस शहर में कितने लोग होंगे जिनका नाम आनंद होगा? लेकिन रणवीर हॉस्पिटल जाके पता तो करते हैं ना, क्या पता वो डॉक्टर को मिलने आया हो। चलिए हम लोग चलते हैं। हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी विनू भैया, अच्छा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं भैया, मैं और आदमी बर्तन वाली की बस्ती में जा रहे हैं, और आलेख भी और साधना भाभी सिटी हॉस्पिटल। हाँ जी आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। जी चलिए। हाँ पाओ जी, हमें निकलना होगा। ठीक है बेटा चलो। अग्नि क्या हुआ विनु भैया, कुछ पता चला? नहीं, आप लोग उस बर्तन वाले के यहाँ गए थे ना, क्या हुआ? भैया हमने बर्तन वाली को ढूंढ लिया, उससे बात भी की, लेकिन वो कुछ भी नहीं जानती। भाभी के बाद भी काफी देर तक वो गली में घूम रही थी, दूसरे घरों में काम भी किया, लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था। विनु भैया एक काम करते हैं, हम लोग सिटी हॉस्पिटल चलते हैं, हो सकता है कि आलेख भैया को आनंद के बारे में कुछ पता चला। नहीं रणवीर जी, मैं उनसे मिलकर आया हूँ, वहाँ पे आनंद नाम के किसी आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आलेख बाबू और साधना वो लोग मंदिर और मीना बाजार की तरफ गए, हम लोग कहीं और पूछताछ करते हैं। हमारे घर के पास में एक झुग्गी बस्ती है, वहाँ पे दुनिया भर के चोरों चक्की सब वहीं रहते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग वहाँ पता करते हैं। चलो चलिए। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, ईश्वर पर भरोसा रख, मुन्ना मिल जाएगा। देख बेटा रात हो गई है, रात को रोना अशुभ माना जाता है। भगवान मेरा मुन्ना कब आएगा? आ जाएगा। मालती पुलिस मुन्ने को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। भाभी हमने भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मुन्ना को कौन लेके जा सकता है और क्यों। पीनू जी मुझे मेरा बेटा चाहिए, किसी भी हाल में अपना बेटा चाहिए, मैं उसके बिना अलग नहीं रह सकती, उसको लेकर आओ। पीनू जी आपने आनंद के बारे में पुलिस को बताया था? नहीं अभी तक नहीं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो वीनू जी? अगर मेरे मुन्ने को कुछ हो गया ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मालती हम ऐसे कैसे किसी भले आदमी? भला आदमी? अरे किसने कहा कि वो भला आदमी है? छटा वो बदमाश है, वो छटा वो बदमाश। मेरे मुन्ने को लेकर मुझे मेरा मुन्ना चाहिए वीनू जी। सर सर मैं आप सबके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। मुझे एक प्रकाशक के यहाँ पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है, कल ही ज्वाइन करना है सर। मेरा ये शहर में कोई और बड़ा नहीं है ना सर, इसलिए आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ।
क्या हुआ सर, सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कैसा आदमी है, एक तो मेरे मुन्ने को उठाकर ले गया, ऊपर से यहाँ पे सबके सामने शरीफ बनके दिखावा कर रहा है। देखो अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं लौटाया ना तो हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। बताओ मेरे मुन्ने को कहाँ छुपाया तुमने? मालती, मालती ये क्या बके जा रही हो तुम? वीनू जी आप समझते क्यों नहीं, ये एक अनजान आदमी है जो हमारे घर पर आया था और इसने जबरदस्ती मुन्ना को मुझसे लेके उसे गोद में खिलाया था, यही है वो। वो बेटा दरअसल हमारा पोता घर से गायब हो गया है। सर मैं भी मुन्ने को ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। मदद? अरे मदद क्या, हमें वहां ले चलो जहाँ तुमने मेरे मुन्ने को छुपाया। बता दो ना मेरा मुन्ना कहाँ है, जवाब दो। भाभी मुन्ना यहाँ। मैं चलता। साधना, मुन्ना तुझे कहां से मिला और तूने तुरंत फोन क्यों नहीं किया? अरे जवाब दे। अरे तू क्या जवाब देगी, तू क्या जाने मां की ममता क्या होती है। साधना, मुन्ना तुझे कहां से मिला तूने तुरंत फोन क्यों नहीं किया? अरे जवाब दे। अरे तू क्या जवाब देगी, तू क्या जाने मां की ममता क्या होती है। शांत हो जा बहू, शांत हो जा, मुन्ना भूखा होगा, जा इसको दूध पिला दे। एक मिनट माँ जी, बोल ना साधना, कौन उठा ले गया था मेरे मुन्ने को? मीनू जी आप अभी क्या अभी उस आदमी को पुलिस के हवाले करिए, छोड़ना नहीं उसको। ऐसे आदमी को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई मजाक है क्या? एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया, उसका दिल है या पत्थर? एक पल अपने मुन्ने के बिना कितना तड़पती हूँ मैं, पता है मेरा तो कलेजा मेरे मुंह को आ गया था ये सोच के कि मैं कैसे जीऊंगी अपने मुन्ने के बिना। बोलना साधना, किसने किया ये काम, जवाब दे। साधना तो क्यों ले आई इतनी जल्दी मुन्ना को, थोड़ी देर और रख लेती अपने पास। एक मिनट, मेरा मुन्ना तेरे पास था साधना, मगर कैसे भी तुझे यहाँ फिकर के मारे मरे जा रहे थे और मेरा मुन्ना तेरे पास था, तूने मुझे तक नहीं बताया, जवाब दे। सॉरी भाभी। आई सॉरी, अंग्रेज चले गए मरा सॉरी छोड़ के, सॉरी कह रही है मुझे? साधना ये सारा किया कराया तेरा है? तकलीफ पहुंचाई साधना। भाभी आप क्यों, लेकिन लेकिन तू ये सब कैसे कर सकती है, तू तो यही थी ना, तो मुन्ना तो उसके पहले ही खो चुका था, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे क्या हो रहा है? बोल साधना बेटा, बोल कुछ तो बोल। मैं बताता हूँ बाऊजी, साधना से कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मुन्ना को मैं ले गया था। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप पीनू जी,
अपने ही बेटे को क्यों ले जाओगे? अरे आप तो खुद ही उसे ढूंढ रहे थे ना। तो मैं मुन्ना को लेकर क्यों नहीं जा सकता? हाँ, मुन्ना का गायब होना और उसे ढूंढने का पूरा ड्रामा मैंने ही किया है। जब तुम उस बर्तन वाले के साथ उलझ रही थी तब मैं मुन्ना को उठाकर लेकर गया था यहां से। कितनी लंबी बिल्डिंग है। हाँ, 20 वाले पर हमारा घर है। तुम्हारा क्या है? तुम यहीं पे रहना गलियों में। मैं दोबारा यहाँ से बर्तन नहीं लेने वाली। शॉपिंग मॉल से जाके शॉपिंग करूंगी मैं। और उसके बाद मैंने साधना और आलेख जी से मदद के लिए कहा। मुन्ना, हे भगवान, का लाख लाख शुक्रिया जो मुन्ना मिल गया। आलेख जी, आप जल्दी से रणवीर जी को फोन करके बता दीजिए कि मुन्ना मिल गया है। भाभी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। नहीं आलेख बाबू, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ना ही हम लोग मुन्ना को लेकर घर जाएंगे। मगर भैया, ये सब क्यों? साधना, मैं मालती के बर्ताव से तंग आ गया। अलग घर बसाने की बात को लेकर उसने मेरा जीना हराम कर दिया। उसे उसे इस बात की जरा से भी फिक्र नहीं है कि मेरे अलग होने पर मां और भौजी पर क्या गुजरेगी। और मालती अपने मतलब के आगे उसे मां की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। बस एक ही फितूर है दिमाग, अलग घर बसाना है बस। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो हर बार कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू कर देती है। और इस बार तो उसने हद ही कर दी। मेरी कमजोरी पकड़ ली है उसने। मेरे पास नौकरी नहीं है ना, इस बात को लेकर वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। साधना, मेरे यकीन मान, मैं मालती को सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि एक माँ का बच्चे से अलग होने का दर्द कितना जानलेवा होता है, कितना तोड़ देता है उसे। भैया, पर ये सब करना ठीक नहीं होगा। साधना प्लीज, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तू सिर्फ आज रात के लिए मुन्ना को अपने नए घर में रख ले। मैं सुबह आकर उसे ले जाऊंगा और तब तक मैं रणवीर जी और रागिनी के साथ मुन्ना को ढूंढने का ड्रामा जारी रखूंगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ साथ। भैया, मैं माँ और बाबूजी से अलग नहीं होना चाहता। मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लीज मुन्ना को सुबह तक संभाल लो, लेकिन तुम। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं क्या करती? जब जब मुन्ने को देखती थी तो भाभी की सूरत सामने आ जाती थी। मैं इतनी कठोर कैसे हो सकती हूँ? भला मैं एक माँ से उसका बच्चा दूर कैसे कर सकती हूँ? मुझसे ये नहीं हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता वीरू जी कि आप मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकते हैं। मेरे साथ, अपने बच्चे की माँ के साथ? क्यों? मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों नहीं कर सकता मालती? तुम खुद क्या कर रही हो? तुम भी तो मुझे मेरी माँ से अलग कर रही हो। तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया है मालती। तुम्हारी जिद थी ना कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग घर बसाऊं। तुम तो अपनी जिद में अंधी हो गई थी, इसीलिए तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब समझ में आया? देख लिया, तुम्हारे 7 महीने का बच्चा तुमसे आधे दिन के लिए अलग हुआ तो तुम्हारी ये हालत हो गई। जरा सोचो मालती, कि मेरे माँ बाप जिन्होंने इतने बरसों तक अपने प्यार से, अपने खून पसीने से सींच कर मुझे इतना बड़ा किया है, अगर मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तो उनकी क्या हालत होगी। मैं चाहता था कि बच्चे से अलग होने की तकलीफ क्या होती है ये तुम समझो, ये दर्द कितना जानलेवा होता है ये जानो। मैं चाहता था कि बच्चे से अलग होने की तकलीफ क्या होती है ये तुम समझो, ये दर्द कितना जानलेवा होता है ये जानो। अरे रिश्तों की अहमियत क्या होती है ये समझो मालती, ये मैं चाहता था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने मालती को सबक सिखाने के लिए सब कुछ किया। मैंने क्या गलत किया?
गलत किया है। तूने आज एक माँ की ममता के साथ खिलवाड़ किया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के साथ ऐसा करने की? यही सब संस्कार मिले हैं तुझे हमसे? हाँ, ये तरीका होता है किसी को सबक सिखाने का? माँ को इतना दुख दिया, उससे उसका बच्चा ही छीन लिया तूने। अरे तू क्या जाना एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता क्या होता है? 9 महीने अपनी कोख में पालकर प्रसव की पीड़ा सहती है, तभी वो माँ कहलाती है। माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है उसका बच्चा। तू क्या जाने ममता क्या होती है? पढ़ाया बहू को सबक सिखाने वाला। और वीनू, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि मेरी लड़ाई के लिए तू एक बुराई का सहारा ले। समझाइए इसे, समझाने के और भी तरीके होते हैं। प्यार से मन जीता जा सकता है, सब्र किया जा सकता है, लेकिन एक, एक माँ के साथ इतना जुल्म? तुझे क्या लगा कि मैं खुश हो जाऊंगी तेरी इस हरकत से? वीनू, आज तूने अपनी माँ का सर शर्म से झुका दिया और तू कहता है कि क्या गलत किया है तूने? हाँ जी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं, नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। माँ जी, आपने वीनू जी को थप्पड़ क्यों मारा? आपको तो मुझे मारना चाहिए। नहीं बेटा, मैं इसी लायक हूँ माँ जी, बहुत बड़ा पाप किया, आपको बहुत दुख पहुंचाया माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर हमेशा गलत इल्जाम लगाए हैं और आप फिर भी मेरा साथ दे रही है। आप मेरा दर्द तो फिर भी देख सकी माँ जी, पर मैं कैसे पत्थर दे लूं जो एक बेटे के लिए आपका तड़पता हुआ दिल नहीं देख पाई मैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। वीनू जी, आपने बिल्कुल ठीक किया जो मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। जो माँ किसी और माँ का दर्द नहीं देख पाई वो तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है वीनू जी। वैसे भी मैंने कौन सा रिश्ता निभाया यहाँ पर? ना ही मैं एक अच्छी पत्नी बन सकी और ना ही एक अच्छी बहू। माँ जी, सारी खोट मुझ में ही है, मैंने सबको चोट पहुंचाई है माँ जी। मैं इस घर में रहने के लायक ही नहीं हूँ माँ जी, मैं ऐसे चली जाऊंगी, मेरी यही सजा है माँ जी, मैं आप लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ। नहीं बेटा नहीं, और ये क्या कह रही है तू? तू क्या सोचती है तेरे बगैर हम लोग रह पाएंगे? ये तेरा घर है बेटा, तू यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, सब मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना। माफ कर दो ना वीनू जी। जाओ, नहीं करता। बाबूजी, क्या मैं आपसे एक विनती कर सकती हूँ? अरे तुम बोलो बहू। क्या हम मेरे मुन्ने का नामकरण कल ही कर सकते हैं? वरना जब मुन्ना बड़ा होगा ना, तभी लोग इसे मुन्ना मुन्ना कहकर ही पुकारेंगे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, खर्चा ज्यादा नहीं होगा। वही तो, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि जब दादा दादी और फूफा फूफी सब यहाँ हैं इसको आशीर्वाद देने के लिए, तो और हमें क्या चाहिए? क्यों साधना, है ना रागिनी?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।